आज पवित्र नाग चतुर्थी बा नागल चतुर्थी कार्तिक मास शुक्लपक्ष चतुर्थी रे समग्र भारत रे पालन करा जाए एही पर्व। एही पर्वर मुख्य आराध्य हेउछन्ति सर्पदेवता। सर्प पूजा केवल ओडिशा किंबा भारतीय समाज रे परिलक्षित हुए नहीं, बरं विश्वर विभिन्न देशर लोकमानक मध्यरे एहार प्रचलन देखिबाकु मिले। पुराण लोकविश्वास माध्यम रे एहार प्रभाव एबे भी संजीवित। भारतीय स्थापत्य और साहित्य को सर्प पूजा विशेष भाव प्रभावित करिछि। ओडिशा रे प्रचलित नाग चतुर्थी बा नागल चतुर्थी सर्प पूजार अन्य एक अभिव्यक्ति। एही पर्व को सर्वत्र पालन करा जाउथिबा बेले पुरी रो एहार प्रचलन खूब धूमधाम रे पालित होउथिबा देखिबाकु मिलिछि। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी दिन नाग देवता उद्देश्य रे एही पूजा अनुष्ठित होइथाए। नारी माने परिवार तथा संतान मानक मंगल कामना करी एही पर्व पालन करिथांती। एही पूजा करिबा द्वारा सर्प दंशन रो भय रहे नाही बोली लोक विश्वास रहिछि। पूजार मुख्य विधि हेला हुंका पूजा। नारी माने एकत्रित होई हुंका थिबा स्थान रे किंबा हुंकार किछि अंश को आनी चौरा मूळे रखि नाग नागुणी को तंबार मूर्ति स्थापन करंती। एही स्थान को फूल रे सजाई चिता पकाई समस्त पूजा सामग्री जथा दीप धूप और नैवेद्य देई मूर्ति को पूजा करंती। अन्य केतक स्थान रे अटारे नागनागुणी देवता तयारी करी पूजा करा जाय थाए। विशेष करी तेलुगु संप्रदाय रे उई हुंकारे अंडा देई से माने पूजा करी थांती। केवल जे धार्मिक विचारधारा रे सर्प पूजा बा नाग पूजा जड़ित ताहा नुहे, परंतु भारतीय स्थापत्य कला रे एहार प्रभाव देखिबा को मिले। पुरातन मंदिर गठन रे प्रत्येक प्रवेश द्वार नागबंध द्वारा निर्मित होइथिबा देखिबा को मिले। एहाकु वास्तुशास्त्र रे अत्यंत शुभ बोली वर्णना रहिछि। सेहिपरि आम मानक बास स्थान निर्णय समय रे नागनाड़ी कथा विचार को निया जाय थाए। कहिबाकु गले सर्प संस्कृति एक पुरातन संस्कृति जहाँ वर्तमान मध्य गवेषणा सापेक्ष होई रहिछि। तेबे नाग चतुर्थी बा नागल चतुर्थी सर्प पूजार अन्य एक अभिव्यक्ति जहाँ आम धर्म संस्कृति को प्रभावित करिआसिछि एवं सीए आम मंगल विधानर व्रती जेउथिपाई नारी माने परिवार तथा संतान संतति मानक मंगल कामना करी एही पर्व पालन करिथांदी बोली व्रती माने कहिछंती। पुरीरु कैमरामैन दिव्यरंजन विषयी सुजित महापात्र रिपोर्ट।